ई का स्मार्ट सिलेबस आ चुका है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और आपको ये भी बता देता हूँ बता दूंगा कि आप किस तरह इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल एक छोटा सा लिंक दूंगा आपको और आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डाउनलोड पॉपअप शो हो जाएगा और आपको क्लिक करने की भी जरूरत नहीं है वो खुद ब खुद डाउनलोड हो जाएगा तो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल भी बता देता हूँ कि आप सलामियात जन जैन उसका नंबर है जैन जी एन तीन सौ ग्यारह और उसका नाम है इस्लामियात मतलब पाकिस्तान डी ए ई इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर ठीक है तो उसका मैं समार सिलेबस आपको बता देता हूँ मैं इस मेरे पास पी डी एफ में इस पर क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैंने क्लिक किया ये ओपन हो चुका है तो अभी आपके मैं आपको मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ तो ज़ूम इन करने के बाद ये देखे जो आपने नहीं करना वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले है सूरा ए, आयतर कुर्सी है जो वो आपने नहीं करनी ठीक है आयतर कुर्सी पर कांटा लगा सूर्य बकरा की आखिरी आयत नंबर दो सौ छियासी ठीक है वो भी करनी है उसके अलावा आखिरी जो दूसरे नंबर पर है दस मुंतखब अहदीस और उनका तर्जमा तशरी इसमें आपने पहली हदीस नहीं करनी वो कौन सी है वो बुनियामसिन इस्लाम की बुनियाद पाँच चीज़ों पर है ठीक है ये आपने नहीं करनी उसके बाद दूसरी तीसरी करनी है और चौथी हदीस नंबर वो मैं आपको बता देता हूँ लिल मोमिना अल मोमिनूना मोमिना सितुन खिसाल यानी मोमन के मोमन पर ए, पांच सात हकूक है ये भी आपने नहीं करनी उसके बाद ये आपने इन अल्लाह हराम अलैकुम हकूक उल उम्माती के बेशक अल्लाह पाक ने तुम पर माओ की नाफरमानी हराम कर दी है ये भी हदीस आपने नहीं करनी तो मैं आपको पी डी एफ भी मुहैया कर दूंगा लेकिन आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं तो उसके बाद है हकूको फ़राइज हकूको फ़राइज में हसूल तलीम बतौर फ़र्ज ये नहीं करना आपने उसके बाद सब्र इस्तकाम आपने नहीं करना इसार कुर्बानी आपने नहीं करना ठीक है तो ये दूसरा पी डी एफ तो इसमें जूम आउट ठीक है उसके बाद फ़राइज़ ये इसी के बारे में है सब कुछ मताले पाकिस्तान का मैं आपको बता देता हूँ सलामियात का तो मैंने बता दिया आपको मताले पाकिस्तान आपने तकसीम बंगाल किलकता ये आपने नहीं करना ठीक है तकसीम पंजाब ये भी आपने नहीं करना रियासतों का इखलाक ये भी आपने नहीं करना नहरी पानी का त... तनाज़ा मैं थोड़ा सा ज़ूम कर लेता हूँ नहरी का तनाजा ये भी आपने नहीं करना उसके बाद मैं पुणा के बाईस नक्का ये भी आपने नहीं करना उसके बाद उन्नीस सौ छप्पन उन्नीस सौ बासठ उन्नी और उन्नीस सौ तिहत्तर के वस्ता तिर की इस्लामी दफात ये भी आपने नहीं करना पाकिस्तान का महलकू और इसकी जोग्राफियाई अहमियत वो भी आपने नहीं करनी तो मतलब तेरह में से सात मौजुआत आपने करने हैं तो ये काफ़ी कमाल की जो अपडेट है मतलब काफ़ी उन्होंने ये शोर कर दिया है सलेबस तो आप ये आसानी है ये सवालत भी आगे आ गए हैं बंगाल की तकीम की वजूहत बयान करे पंजाब की तकसीम के बारे में तफ़ील से बयान करे रियासतों के ख़लाक के बारे में तफसल से बयान करे नहरी पानी के तनाज़ा को बयान करेमा के बारे मुतल इस्लामी नकात बयान करे पाकिस्तान के महलों को और इसकी जोग्राफ़ी अहमियत बयान करे ठीक है और ये तकरीबन तमाम आपको मैं डाउनलोड का लिंक भेज दूँगा आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको देख सकते हैं मैं फ़िलहाल आपको इतना ही बताऊँगा और नहीं आपको मैं और बता देता हूँ ताकि आपको किसी किस्म की मुश्किल ना पेश आए सबसे पहले आप वीडियो को सुन लें और इस वीडियो को डाउनलोड कर लें मस्बतन ठीक है मौजूद ये है नस्बाखला गैर मुस्लिम के लिए है सॉरी ये गैर मुस्लिम के लिए है ठीक है या मुकमल हो चुका है तो आपको मैं जो है डाउनलोड का लिंक वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा या मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा आप कुछ जिस जगह से भी आपको डाउनलोड लिंक मिल जाए तो आप वहाँ से जाकर इसको कर डाउनलोड कर ले हो सकता है कि कमेंट बॉक्स में ही मिल जाए आखिर में चैनल को सब्सक्राइब करें और ख़ुदा हाफिज़